हेलो गाइस, मैं बिग बॉस स्क्रीन से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर लेकर आपके सामने पेश रही हूँ। बिग बॉस के घर में दिखाया, लाइव फीड में दिखाया जा रहा है कि जो गौतम एंड प्रियंका एक साथ बैठे होते हैं, तभी प्रियंका कहती है कि मेरी ना निमृत के साथ अब वाइफ नहीं मिलती है। तभी जो गौतम है वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर निमृत हमें घर से बाहर मिलेगी तो वो बहुत अच्छी लड़की है, सच में दिल से बहुत ज़्यादा साफ लड़की है। लेकिन घर में ना उसकी जो सारा दिन प्लान गेम को लेकर सारा दिन वो सोचती रहती है ना, ये बात गलत है, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर वो नॉर्मल लाइफ में मिलेगी तो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन इस घर के लिए वो परफेक्ट नहीं है। तभी जो प्रियंका वो कहती है कि सच में भाई तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, हम ना घर के बाहर हम मिलते थे तो जो प्रियंका कहती है कि मेरी निमृत के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, मुझे सच में बहुत अच्छी लगती थी और मुझे लग रहा था कि हम घर में एक है तो हमारे बीच में और भी ज़्यादा अच्छी दोस्ती होगी। लेकिन यहाँ पर वो सारा दिन गेम प्लानिंग ऐसी बातें करती रहती है ना, तो मुझे यहाँ पर जो वो अच्छी नहीं लग रही। सच में बाहर मैं उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करती थी और हमारे बीच में बहुत अच्छी अच्छी बातें होती थी, लेकिन जो यहाँ पर निमृत है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। मुझे तो सच में उनके साथ बात करने में भी ऐसा लगता है कि जी यहाँ पर भी गेम को लेकर ही कोई ना कोई बात कर रही होगी, कोई ना कोई आइडिया सी निकाल रही होगी। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो प्रियंका चौधरी कह रही है क्या वो सही है? क्या आपको भी लगता है कि जो निमृत है शायद वो बाहरली लाइफ में बहुत अच्छी होगी और यहाँ पर वो सारा दिन गेम प्लानिंग करने के कारण वो यहाँ पर थोड़ा सा इरिटेट हो गई है और अपना जो रियल जो फेस है वो दिखा नहीं पा रही है? तो प्लीज़ आप अपनी राय हमसे शेयर जरूर कीजिए और उनसे जुड़ी हर अपडेट के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।